हे एवरीवन, वेलकम टू शर्म्स आईएएस। मैं हूँ शिवांगी शर्मा और टुडे हम विद थर्ड चैप्टर ऑफ आर सेवेंथ क्लास हिस्ट्री। सो ये चैप्टर है दिल्ली के बारे में। हम इधर 12th से लेके 15th सेंचुरी तक हमारी दिल्ली क्या 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 सिचुएशन था, कि क्या क्या किंगडम्स आए, वो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। सो लास्ट चैप्टर में हमने कावेरी डेल्टा के जो भी रीजन्स था उसमें हमने पढ़ा कि कैसे कैसे बहुत बड़े बड़े किंगडम्स एस्टेब्लिश हुए। बट हमने अभी तक दिल्ली को एज अ कैपिटल, एज इट्स कैपिटल नहीं पढ़ा है ना। दिल्ली को अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि दिल्ली कैपिटल बन गई, क्योंकि दिल्ली कैपिटल बनी 12th सेंचुरी में। ठीक है, कैपिटल भी नहीं बट इम्पॉर्टेंट सिटी दिल्ली बनी 12th सेंचुरी में। ठीक है, तो सबसे पहले दिल्ली जब कैपिटल बनी तो वो बनी थी तुम्हारा, जो भी तुम्हारा राजपूत थे उनके अंडर थी दिल्ली जब वो पहली बार कैपिटल बनी। ठीक है, जो कि मिडल 12th सेंचुरी में उनको हरा दिया था चौहान्स ने, जिनको हम चहामनास भी बोलते हैं। उनको अजमेर के जो चौहान से उन्होंने तुम्हारा राजपूत को हरा दिया था। ठीक है, सो तुम्हारा और जो तुम्हार थे और जो चौहान थे, इसके अंदर जब इनका राज चल रहा था उस टाइम पर जो है दिल्ली काफ़ी इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनी। ठीक है, बहुत सारी सिटीज़ और बहुत सारे टेंपल्स कंस्ट्रक्ट हो गए थे उस टाइम पे दिल्ली पे, और बहुत सारे मतलब कॉइन्स भी यहाँ पे हुआ करते थे, कॉल्ड द दिल्ली वॉल। जो भी कॉइन्स यहाँ पे होते थे, जो वहाँ पे बनते थे, उनको दिल्ली वॉल का नाम दिया गया। ठीक है, और उनका बहुत बड़ा, बहुत काफ़ी वाइड सर्कुलेशन था। ठीक है, सो दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा, क्योंकि वो मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो है दिल्ली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। उसके अलावा 13th सेंचुरी के बिगिनिंग में, मतलब थर्टीन सेंचुरी शुरू होने वाली थी, उस टाइम जो है दिल्ली का जो दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडेशन है वो एक वास्ट एरिया में, मतलब जब जैसे हमारे सबकॉन्टिनेंट काफ़ी बड़ा एरिया था उस टाइम पे, जब 13th सेंचुरी शुरू हुई तब दिल्ली का एक फाउंडेशन बैठ गया कि दिल्ली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, दिल्ली का मतलब एज अ कैपिटल दिल्ली हो अब ज़्यादा पावर आ चुकी थी। ठीक है, सो अगर हम टेबल वन में देखें, सो हियर इज टेबल वन, तो यहाँ पे ना हमें दिल्ली के रूलर्स के बारे में पता चलेगा कि किन किन ने दिल्ली को रूल किया। सो सबसे पहले जो राजपूत डायनेस्टी थी, राजपूत डायनेस्टी में जो तुम्हाराज थे उन्होंने अर्ली 12th सेंचुरी में दिल्ली में आके राज किया। उसके बाद तुम्हाराज में जो थे वो थे अनंगापाला। फिर जो चौहान थे उनमें पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर रूल किया। अगर हम अर्ली टर्किश रूलर के बारे में बात करें, जो भी अर्ली टर्किश रूलर्स थे उन्होंने 1206 से 1290 तक ही दिल्ली पे राज किया। ठीक है, उसमें से भी थे कुतुबुद्दीन अकबर, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद जो रज़िया सुल्तान थी, फिर गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, अगर हम खलजी डायनेस्टी की बात करें, तो जो खलजी डायनेस्टी थी उसमें जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पे राज किया। ठीक है, तगलक डायनेस्टी थी उसमें से गियासुद्दीन तगलक, मोहम्मद तगलक और फिरोज शाह तगलक ने दिल्ली के ऊपर राज किया। जो सईद डायनेस्टी थी, सईद डायनेस्टी से जो खिजर खान था उन्होंने रूल किया था, बट इतना कुछ ज़्यादा टाइम उन्होंने नहीं रूल किया। ठीक है, फिर लोदी डायनेस्टी में बहलोल लोदी ने दिल्ली पे राज किया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे सुल्तान्स दिल्ली के अंदर आए, तो दिल्ली की क्या क्या मतलब उस टाइम पे दिल्ली कैसी थी वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो जो भी मतलब हिस्ट्रीज़ हैं, जो भी इतनी सारी स्टोरीज़ हैं, इन हिस्ट्रीज़ को तारीख बोला जाता है। अगर सिंगुलर हिस्ट्री है कोई भी, डैट इज़ तारीख, और अगर वो बहुत मतलब प्लूरल है तो उनको तवारीख बोला जाता था। ठीक है, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में है, द लैंग्वेज ऑफ मतलब दिल्ली सल्तनत, जो भी दिल्ली सुल्तान थे वो बेसिकली पर्शियन ही यूज़ किया करते थे। ठीक है, जो तारीख, जो तारीख के जो ऑथर थे, जो तारीख लिखा करते थे वो बहुत ही लर्न मैन हुआ करते थे। मतलब लर्न मैन जैसे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट एंड जो भी कोर्टियर्स होते, जो भी राजा का जो वो होता है ना, उसके महल में जो भी उसके वो बैठते हैं, जो भी मंत्रीगण होते हैं सारे, जो उसकी सभा में बैठते हैं, देट आर कॉर्टियर्स। ठीक है, जो कि सारे जो भी इवेंट्स थे, मतलब जो भी इवेंट्स हुए हिस्ट्री में उसको भी लिखा जाता था। उसके अलावा जो भी रूल्स फॉलो किए जाते थे, चाहे वो गवर्नेंस हो, एम्फासाइजिंग हो, मतलब जो भी गवर्नेंस के जो भी रूल्स थे वो उसमें लिखा जाता था। उसके अलावा जो भी क्या क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, मतलब एक कोई कैसा रूल किया उसका क्या इंपॉर्टेंस था, वो सब कुछ इन्हीं में लिखा जाता था तारीख में। ठीक है, द सर्कल ऑफ जस्टिस यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं।
फकर ए मुद्दबीर 13 सेंचुरी में इन्होंने लिखा कि एक किंग शोल्डर्स, जो भी शोल्डर्स होते हैं ना, जो भी लड़ाइयाँ करते हैं, जो भी सैनिक होते हैं, उनके बिना किंग सर्वाइव नहीं कर सकता है, और जो शोल्डर है वो सैलरी सैलरी के बिना काम नहीं करेगा, मतलब सैलरी के बिना नहीं रह सकता है। सैलरी कहाँ से आएगी? सैलरी आएगी रेवेन्यू से, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, बेसिकली पीजेंट से ही कलेक्ट करते हैं। पर पीजेंट्स तभी हैप्पी, मतलब पीजेंट्स रेवेन्यू पे तभी करेंगे जब वो खुश हैं, जब वो प्रेस्पेरियस है और वो हैप्पी है, ठीक है। और ये तभी होता है जब किंग जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नेंस करे, ठीक है। सो दिस इज़ द सर्कल ऑफ जस्टिस, मतलब अगर किंग को सर्वाइव करना है तो उसको बेसिकली ऑनेस्ट और जस्टिस वाली गवर्नेंस ही चलानी पड़ेगी, ठीक है। सो हमें कुछ डिटेल्स माइंड में रखनी है कि ये तवारीख के जो ऑथर थे, ये सिटीज़ में रहा करते थे, बेसिकली ये बहुत हार्डली विलेजेस में हुआ करते थे, ठीक है। ये बेसिकली हिस्ट्रीज लिखा करते थे सुल्तान्स की, उनके इनके लिखने का पीछे का मेन रीज़न ये था कि अगर वो सुल्तान के बारे में लिखा करेंगे, जो भी सुल्तान होते थे, तो उनके बदले में उसको रिच रिवॉर्ड्स मिलेगा, ठीक है। सो जो जो भी ऑथर्स थे जो इन सभी को लिखते थे, ठीक है, मतलब रूलर्स बेसिकली एक, मतलब एक जो भी बर्थ राइट हुआ करता था, जो भी जेंडर डिस्टिंक्शंस वगैरह होते थे, वो सारे आइडियाज़ इनमें लिखा करते थे, ठीक है। और जो भी आइडियाज़ इनमें वो लिखते थे, ये आइडियाज़ बेसिकली रूलर्स पर बोलते थे कि ये इनमें होना चाहिए, और ये आइडियाज़ किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता था, ठीक है। 1236 में, 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश थे, उनके बेटा रज़िया 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 सुल्तान बनी, ठीक है। सो ये एक बहुत ही, मतलब अपोजिट सी चीज़ हो गई, बिकॉज जो मिनहाजी सिराज है, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो रज़िया है वो अपने भाइयों से ज़्यादा क्वालिफाइड और ज़्यादा एबल है कि वो तख्त पे बैठे, ठीक है। पर एक एक क्वीन को, एक फीमेल को एज अ रूलर देखना, ये लोगों के लिए, मतलब उसके लिए कहीं ना कहीं कंफर्टेबल भी नहीं था, मिन्हाजी सिराज के लिए। मतलब वो कहीं ना कहीं ये तो मानता था कि जो रज़िया सुल्तान है वो अपने बेटे, वो उन अपने भाइयों से ज़्यादा कैपेबल है, बट एक लड़की को, मतलब एक क्वीन को एज अ रूलर देखना, उसको कहीं ना कहीं खल नहीं रही थी बात, मतलब बात खल रही थी, ठीक है। सो और जो नोबल्स थे, मतलब जो लिखे जाते थे, उन्होंने भी ये, मतलब हैप्पी नहीं थे वो लोग कि रज़िया सुल्तान बनी है। सो उनको 1240 पे ही थ्रोन से हटा दिया गया, सिर्फ 4 साल के लिए वो थ्रोन पे बैठी, ठीक है। सो मिन्हाजी सिराज का क्या थॉट है रज़िया सुल्तान के बारे में? सो मिन्हाजी सिराज बोलते हैं कि जो क्वीन का जो रूल है वो अगेंस्ट है उस आइडिया के जो गॉड ने क्रिएट करा है, जहाँ पे वुमेन का काम है सिर्फ सबॉर्डिनेट होना मैन के, मैन सुपीरियर होगा, वुमेन सबॉर्डिनेट होगी, ठीक है। मतलब वुमेन, मैंस जो बोलेगा वो वुमेन को करना पड़ेगा। इसलिए जब जब रज़िया सुल्तान बनी, तब इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट और इतनी बड़ी वो हो गई, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। सो गॉड्स की क्रिएशन में, जबकि वो मतलब उनको ये है कि जब वुमेन, वो तो वुमेन है, बट वो वुमेन होने के बावजूद उसमें इतने सवाले क्वालिटीज़ क्यों हैं? वो मैन तो है नहीं, तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि भगवान ने उसको वुमेन होने के बावजूद इतनी सारी क्वालिटीज़ क्यों दी। ये बोल रहे हैं कि उस टाइम पे ये माना जाता था कि वुमेन्स में क्वालिटीज़ हो ही नहीं सकती है, बट रज़िया सुल्तान में बहुत एक्सीलेंट क्वालिटीज़ थी, ठीक है। जो भी उनके इंस्क्रिप्शंस थे, तो काफ़ी कॉइन्स भी थे जिसमें रज़िया का नाम मैंशन किया गया था, बट उसमें रज़िया का नाम मैंशन किया गया था एज अ डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है। और जबकि अगर हम एक और क्वीन है, क्वीन रुद्रमा देवी की अगर हम बात करें, जो कि कक्तीय डायनेस्टी की थी, ऑफ रेंगलर, ऑफ जिसको आज हम आंध्र प्रदेश, जिसको हम आंध्र प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। सो हाँ, वरंगाल की जो थी वो रानी थी रुद्रमा देवी। सो रुद्रमा देवी की जो भी इंस्क्रिप्शंस थे, उसमें ऐसा दिखाया गया था कि शी वॉज अ मैन, उनकी इंस्क्रिप्शन में उनको एज अ मैन प्रिटेंड किया गया था, ठीक है। एक और क्वीन है दिदा, जिन्होंने कश्मीर में रूल किया, ठीक है। सो उनका टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उनका जो टाइटल था वो आया था फ्रॉम दीदी, दीदी होता है ना, एल्डर सिस्टर को हम दीदी बोलते हैं। सो उनसे जो है उनका टाइटल आया था, विच इज़ दिदा। सो इसका मतलब है कि वो काफ़ी लव्ड, काफ़ी उनको प्यार मिला होगा अपने जो भी उनके उनका जो भी वो था, ठीक है। सो अगर अब हम खलजीज और तगलक्स के बारे में देख लेते हैं कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा उनके अंडर, ठीक है।
दिल्ली सल्तनत क्योंकि काफी बहुत मतलब काफी बड़ा किंगडम था, तो हमें एक रिलायबल गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होगा दिल्ली के लिए, ठीक है। रादर देन अपॉइंटिंग द एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफटेंस एज गवर्नमेंट, द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश फेवर देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड द बंदरगाह इन पर्शियन। देखो यहाँ पे क्या करते थे लोग नहीं, बेसिकली जो सुल्तान थे वो उनके जो बहुत ही मतलब जो उनके उसमें जो भी उनके लोग थे, मतलब जैसे जिनके जो उनके स्लेव्स वगैरह थे, जैसे जो चीफटीन्स होते हैं, ठीक है, जो जो भी चीफटीन्स थे ना, उनको गवर्नमेंट का उनको उनको गवर्नर्स का वो दे दिया गया, ठीक है, कि तुम लोग गवर्नर हो किसी पर्टिकुलर कंट्री पर्टिकुलर एरिया के। जैसे जैसे आज के टाइम पे हम बोले कि ये दिस इज इंडिया, इंडिया के अंदर काफ़ी डिफरेंट स्टेट्स आते हैं, राइट। जो डिफरेंट स्टेट्स है उन डिफरेंट स्टेट्स का जो है वो सीएम अलग होगा, जबकि जो इंडिया है जिसके अंदर ये सारी स्टेट्स आती है उनके प्राइम मिनिस्टर अलग होंगे, राइट। ये काइंडा वैसा ही था कि दिल्ली के अंदर जो भी छोटी छोटी जगह आ जाती थी उनके लिए एक छोटा सा एक गवर्नर उन्होंने अपॉइंट कर दिया गया था, ठीक है। जब सुल्तान इल्तुतमिश आए तो वो मतलब उनके जो भी स्लेव्स थे, ठीक है, वो उनको मतलब वो उनको खरीद लेते थे कि वो मिलिट्री सर्विस में काम करे, और उनको बंदरगाह बोला जाता था, ठीक है। उन लोगों को बहुत ही केयरफुली ट्रेन किया जाता था ताकि कोई भी वो इतने अच्छे से वो ट्रेन किया जाता था उन लोगों को, ताकि जो भी पॉलिटिकल ऑफिसेज में जो भी इम्पोर्टेंट वो मतलब जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसेज होते हैं किंगडम के, वो उनको मैनेज कर सके, ठीक है। वो टोटली डिपेंडेंट होते थे अपने मास्टर्स पे, ठीक है, जो वो सिर्फ सुल्तान को ही सुल्तान उन पे ट्रस्ट कर सकता था, वो इतने वफादार होते थे, ठीक है। जो सुल्तान है वो उन्हीं पे वो उन्हीं के लिए इतने वफादार होंगे, चाहे उनका बेटा हो या उनकी बेटी हो, वो उन पे उतना ज़्यादा नहीं वो होते जितना वो सुल्तान पे होते, ठीक है। तो सुल्तान उन पे टोटली ट्रस्ट कर सकता था और उनके ऊपर रिलाय भी कर सकता था, वो बेसिकली उनके स्लेव्स ही होते थे। स्लेव्स रेदर देन सन, ये क्या बोल रहा है देखो। तो सुल्तान को ये एडवाइस किया जाता था कि जिस स्लेव को जिस नौकर को वो रख रहा है अपने पास, अपने से अपने साथ रख रख के उसको बड़ा कर रहा है, उसको प्रमेट कर रहा है, ठीक है, जो कि वो ऐसा होगा कि आप वो लाइफ टाइम जब आपके साथ रहेगा तो वो आपके लिए इतना इतना वो ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो इतना आपके लिए वफादार हो जाएगा, ठीक है, कि अगर आपके पास जो वाइस मैन होते थे ना, जो एक वाइस मैन होता है जो सलाहकार होता है, जो जो राजाओं को सलाह देता है, तो वाइस मैन वो होता है कि अगर आप एक काफ़ी वर्दी और एक्सपीरियंस नौकर रख लेते हो तो वो एक बेटे से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हैविंग अ स्लेव इज़ बेटर देन हैविंग अ सन, ठीक है। और जो भी खलजीज और जो भी तगलक्स थे उन्होंने इस ये जो भी रिचुअल था बंदरगाह का इसको कंटिन्यू रखा और पीपल को एक हम्बल बर्थ दिया, मतलब देखो ना लोग, क्योंकि लोगों को एक अच्छा वो मौका मिल रहा है कि एक छोटे छोटे स्लेव्स को जो है राजा उठा के एक बड़ी पोजीशन में रख रहे हैं, ठीक है। अब उनका छोटे से घर से एक बड़ी अच्छी पोजीशन मिल जाती है उन लोगों को, ठीक है। उनको जनरल और गवर्नर जैसी पोजीशन दी जाती थी। हाउ एवर दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पॉलिटिकल ऑफ एज अ एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। जो स्लेव्स और जो भी क्लाइंट्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने मास्टर्स और अपने पैटर्न्स के लिए, उनके हायर्स के लिए नहीं। मतलब मैंने जैसे आपको बताया उनके रिश्तेदार उनके बेटे बेटी के लिए वो इतना लॉयल नहीं होंगे जितने वो अपने मास्टर के लिए होंगे, ठीक है। सुल्तान के अपने मतलब अपने सर्वेंट्स होते हैं वो, ठीक है। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मनार्क ऑफन सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। देखो काफ़ी लोगों को ना इस टॉपिक से प्रॉब्लम भी थी कि आप अपने बेटों को जो उनके अपने बच्चे हैं उनको इतनी अच्छी पोजीशन नहीं देके किसी भी मतलब किसी भी राह चलते नौकर को उठा के बड़ी पोजीशन दे देते, तो कहीं ना ओल्ड और न्यू नोबिलिटी में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिल रहे थे, ठीक है। जो भी सुल्तान्स थे मतलब जो भी पर्शियन तवारीख थी उसमें ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी। फिर जब सुल्तान काफ़ी शौक हो जाते थे, क्योंकि जब आप लो और बेस बोर्न जो कि लो कास्ट के लोग थे ना उनको हाई ऑफिसेज में बिठा दिया जाता था, इसीलिए जो पर्शियन तवारीख थे जिन्होंने वो तवारीख लिखी थी उनके जो ऑथर थे उनको ना ये प्रॉब्लम दिखता था। वो काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे कि आप ऐसे बहुत ही नीची कास्ट के लोगों को उठा के इतनी बड़ी पोजीशन में रख देते हो, ठीक है, क्योंकि ये तवारीख में नहीं लिखा गया था। सुल्तान मोहम्मद तगलक के कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ठीक है।
सुल्तान मोहम्मद तगलक ने असीस खुमार, जो कि वाइन डिस्टिलर होता है, वाइन डिस्टिलर होता है जो जो शराब होती है, जो वाइन होती है उसको जो निकालता है, ठीक है, फिरोज हजम, अ बार्बर, एक बार्बर फिरोज हजम, फिर मनका तब्बक जो कि एक कुक था, और दो गार्डनर लाधा और पीरा, इनको काफ़ी हाई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में उन्होंने रख दिया था, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद तगलक ने। जियाउद्दीन बरानी, अमिड 14th सेंचुरी क्लोनेकर, रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट एज अ साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस। तो ऐसा भी बोला जाता है कि जो इन्होंने ये किया, जो उन्होंने हर, जैसे एक उनमें से वाइन डिस्टिलर था, एक बार्बर था, एक कुक था, और दो उनमें से गार्डनर्स थे, इनको जब उन्होंने हाई पोजीशन में रख दिया, उसकी वजह से अल्टीमेटली सुल्तान का लॉस हुआ। सो ये बोलते हैं कि दिस वाज द रीजन बिहाइंड द लॉस ऑफ द सुल्तान, ठीक है। सो जैसे अर्लियर सुल्तान्स थे, वैसे ही खलजी और तगलक्स ने भी, मतलब वो बेसिकली मोनार्क्स हुआ करते थे, जिसमें वो काफ़ी मिलिट्री कमांडर्स होते थे, जिनको जो भी मिलिट्री कमांडर्स होते थे ना, उनको वो टेरिटरी का गवर्नर डिसाइड कर दिया करते थे। जैसे मतलब ये पर्टिकुलर लैंड है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सपोज दिस इज इंडिया और इंडिया के अंदर है ये स्टेट्स, आई एम टेकिंग ओनली 4 स्टेट्स, फॉर सपोज टेक दिस इज राजस्थान, दिस इज गुजरात, दिस इज हिमाचल प्रदेश एंड दिस इज तमिलनाडु, ठीक है। सो इन इन चारों स्टेट्स का अपने अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हैं, राइट, और जबकि इंडिया का एक ग्रेट जो लीडर है, डैट इज द प्राइम मिनिस्टर। सो अल्टीमेटली दिस स्टेट है, ये जो स्टेट्स हैं ये भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर तो आएगी ही आएंगी, बट इन स्टेट्स के लिए भी CM अपॉइंट कर दिए गए हैं, विच आर द चीफ मिनिस्टर्स। वैसे ही जो भी मिलिट्री कमांडर्स थे, उनको गवर्नर बना देता था किसी भी पर्टिकुलर साइज के लिए, ठीक है। सो ये जो भी लैंड्स थे, जो ये लैंड्स इनके अंदर आया करते थे, इनको इक्ता बोला जाता था, और ये जो भी मतलब ये जिन जो इक्ता को होल्ड करते थे, उनको इक्तादार या मुक्ति बोल दिया जाता था, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो जगहें हैं, इन जगह की ये जगह किसके अंडर आ रही है, ये जगह आ रही है CM के अंदर। सो जो CM ये जगह है, इसको इक्ता बोल दिया जाएगा, और जो चीफ मिनिस्टर है उस पर्टिकुलर जगह का, उनको इक्तादार बोल दिया जाता था, ठीक है। सो बेसिकली जो मुक्ति इक्तादार या मुक्ति बोल दिया जाता था, जो मुक्ति थी उनका यही काम होता था कि जो भी मिलिट्री कैंपेन्स है वो, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उन इक्ताज में, उनको बना उनको मना के मतलब उसको रखना, उसको मेंटेन करके रखना। इन एक्सचेंज उनको जो भी उनकी मिलिट्री सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते थे, मुक्तीस को जो है उनका रेवेन्यू भी कलेक्ट करने का, मतलब उनको रेवेन्यू भी उनके लिए कलेक्ट करते थे, विच वर असाइनमेंट एज सैलरी, ठीक है। उसके अलावा वो शोल्डर्स को रेवेन्यू भी पे करते थे। कंट्रोल ओवर मुक्ति वॉज इफेक्टिव इफ़ देर वॉज नो इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर बींग शिफ्टेड। सो ऐसा इसलिए ये होता क्या था कि ये जो भी मुक्तीज थे ना, ये अच्छे से काम तब करते थे क्योंकि सपोज दिस इज अ मुक्ति, सो आज ये इस जगह पर है, ठीक है। सो दिस इज़ अ बिग एरिया एंड दिस इज अ स्मॉल। सो आज जो मुक्ति इस जगह पर है, उसमें वो मुक्ति इस जगह से इस जगह पे भी जा सकता है, तो इस जगह पे वो काफ़ी अच्छे से काम करता है ताकि वो पूरा प्रॉफिट असाइन कर ले, क्योंकि क्या पता कल उसको इस जगह से हटा दिया जाए, ठीक है। सो डैट इज़ वाई दे डू अफेक्टिव वर्क, ठीक। सो जब ऐसा हाथ ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से जो अलाउद्दीन खिलजी थे और मोहम्मद तुगलक थे, ये इनकी रीन्स की जो इनका जब इनका राज था, इनके अंडर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए गए थे ताकि ये चेक करे कि कहीं जो मुक्तीस है वो ज़्यादा तो नहीं टैक्स कलेक्ट करे, जितना टैक्स गवर्नमेंट ने मतलब सुल्तान ने बोला है वो उतना ही कवर कर रहे हैं। इसके लिए ही अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया जाता था, जो कि राजा के जो मेन लीडर था उनके उनके लोग वो हुआ करते थे, ठीक है। सो जो मुक्तीस थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे जैसा बोला था, प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट, और कितना नंबर ऑफ शोल्डर उनको चाहिए, ये शोल्डर्स उनको चाहिए, ये वो दिमाग में रख के किया करते थे, ठीक है। एज अ दिल्ली सल्टनट ब्रॉट द हिंटर लैंड ऑफ द सिटीज अंडर द कंट्रोल एंड दे फोर्स द लैंडेड चीफमेंस समानतास। सो यहाँ पे समानतास को हमने पहले भी डिस्कस करा है कि क्योंकि काफ़ी काफ़ी दिल्ली सल्तनत काफ़ी बड़ी थी, और उस सल्तनत के अंदर छोटे छोटे काफ़ी जगह आया करते थे आई करती थी, ठीक है। सो वहाँ पर जो भी रिच लैंड लॉर्ड्स थे, जो कि काफ़ी अमीर लोग थे, अमीर चीफ्स और जो अमीर लैंड लॉर्ड्स थे, उनको समानतास का नाम दे दिया गया था, ठीक है। सो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके अंडर इनका इनका काम था कि ये सारा लैंड का जो भी रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, अपने कंट्रोल के अंडर अंडर। और
जो भी टैक्सेस थे, मतलब जो भी चीफ मिनिस्टर के जो छोटे छोटे टैक्सेस थे उनको कैंसिल कर दिया गया था, और उनको फोर्स किया गया था कि अब वो पे करेंगे टैक्सेस, ठीक है। उनका ये जो बड़ा बड़ा ये जो चीफ्टियंस थे इनकी अब इसमें पोस्ट नहीं रह गई थी, सिर्फ जो सामान्यतास थे उनके पोस्ट यहाँ पे हुआ करते थे। जो चीफ्टियंस थे वो भी उसमें पे वापस मतलब टैक्स पे किया करते थे, ठीक है। जो सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेशन था ना, जो कि लैंड मेजर करता था, वो काफ़ी केयरफुल अकाउंट रखता था, ठीक है। जो कि पुराने चीफ टीन्स और लैंडलॉर्ड्स थे, वो भी अभी भी वो सल्तनत को, जो भी सल्तनत थी उसको सर्व करते ही थे एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड असेसर्स, ठीक है। यहाँ पे उस टाइम पे तीन टाइप के टैक्स हुआ करते थे। सबसे पहला जो कि कल्टीवेशन पे लगता था, जिसको खरच बोलते थे, जिसमें पीजेंट्स कितना प्रोड्यूस करती थी उसका 50% वो लोग देते थे, ठीक है। 50% पीजेंट्स जो है वो एज अ टैक्स पे कर दिया करती थी। और जो जानवर आपने पाल रखे हैं, जो कैटल्स है, उसके ऊपर भी आपके ऊपर टैक्स लगता है, और आपके जो घर है उस पर भी आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। दिल्ली का जो काफ़ी मतलब जो सबकॉन्टिनेंट है, सबकॉन्टिनेंट का काफ़ी बड़ा पार्ट जो है वो दिल्ली सल्तनत के बाहर ही था, राइट। जो ऐसा जो प्रोविनेंस थी ना, जैसे बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून बिकेम द एनेक्सिंग सदर्न इंडिया, द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। दिल्ली के बाहर का जो एरिया था उसको दिल्ली कवर नहीं कर पा रही थी, सिर्फ जो दिल्ली दिल्ली का एरिया था अंदर अंदर वहीं पे कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। बाहर वाला जो था उसको कंट्रोल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। जो गंगाटिक प्लान्स था वहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट थे, जो उन्होंने सल्तनत को मतलब दे वर फॉरेस्ट एरियाज दैट सल्तनत फोर्स कुड नॉट बी पेनिट्रेटेड। जो भी लोकल चीफ टीन्स थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया, मतलब अपना रूल उन्होंने ऐसे रीजन्स पे, जो भी लोकल चीफ टीन्स थे ना जिनको उन्होंने पोस्ट हटा दी गई थी, उन लोगों को, वो लोग जो एरिया इस दिल्ली सल्तनत के बाहर आता था, छोटा छोटा एरिया, उस पर उन्होंने अपना राज जमाना शुरू कर दिया, ठीक है। अलाउद्दीन खलजी जैसे रूलर्स और जो मोहम्मद तगलक जैसे रूलर्स थे, उनको काफ़ी टाइम उन्होंने काफ़ी टाइम इस एरिया पे मतलब वो इस एरिया पे कंट्रोल करने की कोशिश तो करते थे, बट सिर्फ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही कर पाते थे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर पाते थे, ठीक है। चीफ टीन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन। इबन बतूता जो कि एक ट्रेवलर्स थे जो मोरक्को से आए थे, दैट इज इन अफ्रीका, उन्होंने चीफ टीन्स को ना वो किया है, एक्सप्लेन किया है। फोर्टिफाइड देमसेल्फ इन माउंटेन इन रॉकी अन ईवन एंड रग्ड प्लेस एज वेल एज बैम्बू ग्रूव्स। द आइडिया द बैम्बू इज नॉट होलो, इट इज़ बिग, ठीक है। द सेवरल पार्ट आर ऑल्सो इंटरवेड डैट इवन फायर कैन नॉट इफेक्ट देम। ये बता रहे हैं कि कैसे रहा करते थे, तो वो बता रहे हैं बैम्बू के वहाँ पे घर हुआ करते थे, ठीक है। एन ईवन और राग जगह पे जहाँ पे लोग इजीली नहीं वहाँ पे जाने इजीली नहीं था, ठीक है, काफ़ी मुश्किल था उस जाने पे। ऐसा घर था कि उसको आग से भी फर्क ना पड़े, ठीक है। वो पूरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके अलावा जो भी चीफ टीन्स है वो फॉरेस्ट में रहते हैं और अपने कैटल्स पालते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं। उसके अलावा पानी की भी उनके पास फैसिलिटी है, रेन वाटर वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और अब वो फॉरेस्ट में भी जाते हैं, अपना बैम्बूस वगैरह काट के लाते हैं और अपने लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मंगोल्स है अंडर द गेंगिस खान के अंडर मंगोल्स ने इन्वेड किया, मतलब आक्रमण किया, ठीक है, ट्रांसोनिया में, जो कि नॉर्थ ईस्ट ईरान में है, इन 1219 एंड दिल्ली सल्तनत फेस द अंसलॉट सून आफ्टर, ठीक है। जो मंगोल्स थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया, जिससे जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो रीन है वो उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी था, और दिल्ली सल्तनत को उन्होंने अटैक कर लिया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अटैक आने लगे मंगोल्स के, उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी काम किया करते वहाँ पे राज किया करते थे। और जब मोहम्मद तुगलक का रूल था उस टाइम पे, जब अर्ली ईयर्स थे मोहम्मद तुगलक के रूल में, उस टाइम पे दिल्ली पे काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो गए। दिस फोर्स द टू रूलर्स, तो ये जो भी टू रूलर्स थे ना उनकी वजह से जो है इनको मोबालाइज करना पड़ा, ठीक है। जो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी दिल्ली की उसको ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज फेस करने को मिले उस टाइम पे, ठीक है। 15th और 16th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत के क्या हाल थे वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा कि जो तगलक्स थे, जो तगलक सैयद और लोदी डेनेस्टी थी, उन्होंने रूल किया दिल्ली से आगरा तक 1526 के। बाय देन जौनपुर बंगाल, मालवा गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट रूलर हु एस्टेब्लिश द फ्लोरिशिंग स्टेट एंड प्रॉस्पेरस कैपिटल्स, ठीक है। दीज आर ऑल्सो पीरियड विच सो द एमरजेंस ऑफ न्यू रोलिंग। इसी टाइम पे ना हमें राजपूत और अफगान्स का भी हमें एमरजेंस देखने को मिलता है, इस टाइम पे ये दोनों भी एमरजाइज हुए, ठीक है।
सम ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश इन दिस पीरियड वॉर स्मॉल बट पावरफुल एक्सट्रीमली वेल वेल एडमिनिस्ट्रेट। इस टाइम पे जो लोग इस टाइम पे जो भी राज किया ना लोगों ने सॉरी राजा ने, उन्होंने काफ़ी कम टाइम के लिए ही राज किया दिल्ली पे, बट काफ़ी स्ट्रांग थे वो लोग। जैसे उनमें से एक है शेरशाह सूर, जिन्होंने सिर्फ 5 साल के लिए ही दिल्ली पे वो किया, ठीक है, जिन्होंने अपने अंकल का टेरिटरी संभाला बिहार में और एवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। इन्होंने हुमायूं को हराया था, ठीक है। जो शेरशाह सूर थे, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया और अपनी अपनी अलग ही डायनेस्टी उन्होंने बना दी, ठीक है। और तो जो सूर डायनेस्टी थी वो सिर्फ 15 साल के लिए ही थी, एंड इट इंट्रोड्यूस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के हमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। और जो भी शेरशाह थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अकबर तब के जब तक अकबर का एम्परर नहीं शुरू हुआ तब तक भी उन्होंने उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका एक मॉडल फॉलो किया जाता था व्हेन ही वाज कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। सो हियर दैट इज इट फॉर द थर्ड चैप्टर इन द वीडियो एज वेल। आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच।